यात्री को यात्रा करते वक्त अपने बैगेज के लिए किस प्रकार की एहतियात बरतनी चाहिए? अपना बैगेज लॉक करके रखे, अपना बैगेज लॉक करके रखे और बैगेज खाली ना छोड़े और साइड वाली बैगेज का यूज ना करे और किसी बैग सामान से कोई चीज ना ले। यदि विदेश में आपके यात्री के साथ कुछ गलत होता है तो उसको कहाँ संपर्क करना चाहिए? इंडियन कंसल्ट। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित किन बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक है? कि ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड और चालू हो और जिस देश में आप यात्रा कर रहे हो वहाँ के कानून के बारे में को पता हो। कुछ देशों में विदेशी यात्राओं को ड्राइविंग के लिए किस लाइसेंस की आवश्यकता होती है? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। विदेश यात्रा में यात्री को उपहार या पैकेज से संबंधित किस बात का ध्यान रखना चाहिए? किसी अन्य व्यक्ति से कोई उपहार स्वीकार न करें। यदि यात्री चश्मा पहनते हैं तो विदेश यात्रा के समय उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यदि वो चश्मा पहनते हैं तो चश्मे की दो जोड़ी साथ में रखें और यदि वो लाइसेंस कॉन्टैक्ट लाइसेंस रखते हैं तो वो अपने साथ रखें उसकी जोड़ी। विदेश यात्रा में यात्री के पास क्या चीज़ हमेशा होनी चाहिए? ट्रैवल इंश्योरेंस। देश से बाहर जाते वक्त क्या यात्री को कभी किसी से कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए? किसी स्थानीय लोगों से कुछ चीज़ स्वीकार नहीं करनी चाहिए। स्थानीय रीति रिवाजों और पहनावों की जांच करना और उनके अनुसार व्यवहार करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऐसे रानों को दोना पूर्ण मतलब कठिन दंड सजा मिल सकती है। हाँ, ये दवाई को किस प्रकार रखना चाहिए? दवाई को उसके ओरिजिनल कंटेनर में सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। किसी बीमारी के लिए ली जाने वाली दवा के लिए मरीज के पास क्या चीज़ होनी ज़रूरी है? डॉक्टर साइन नोट। किसी बीमारी के लिए ली जाने वाली दवा के बारे में डॉक्टर का हस्ताक्षर नोट में क्या क्या होना का क्या क्या जानकारी होना आवश्यक है? नेम ऑफ ड्रग, डायरेक्शन ऑफ यूज और किस लिए उसका यूज कर रहे हैं। डॉक्टर के पर्चे के बिना विदेश यात्रा में अपने साथ दवाई रखने से क्या हो सकता है? डॉक्टर एक देश की दवा दूसरे देश में अवैध मानी जा सकती है। मोबाइल ले जाने के बारे में आपको क्या बात पता होनी चाहिए? मोबाइल अपना साथ में ले जाओ, किराए पर ले जाने की सोचो। अपने मोबाइल में किन नंबरों को स्टोर करना आवश्यक है? लोकल पुलिस और नियर बाय। ट्रैवल चेक से संबंधित किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कि ट्रैवल चेक का नंबर वहीं कहीं पर नोट करके रखें। पैसों से संबंधित कानूनों की जानकारी होना क्यों आवश्यक है? पैसे के आदान प्रदान कानून के बारे में पता होना चाहिए। पैसे संबंधित किन विनिमय सुविधाओं का ही उपयोग करना चाहिए? ओनली यूज फॉर ऑफिशियल एक्सचेंज फैसिलिटी। पैसे से संबंधित आधिकारिक विनिमय सुविधाओं का ही उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र जो यात्रियों को किसी मुसीबत में डाल सकता है। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट के संबंध में क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? पासपोर्ट वैलिडिटी। विदेश यात्रा में पासपोर्ट की वैधता कितनी होनी चाहिए? 6 महीने। विदेश यात्रा करते समय कौन से दस्तावेज की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए? पासपोर्ट, वीजा और अन्य ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। पासपोर्ट, वीजा और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी यात्रा के समय कहाँ रखनी चाहिए? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से अलग रखनी चाहिए। विदेश यात्रा करते समय यात्री को किन वस्तुओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए? मोबाइल, लैपटॉप और दूरबीन का यूज करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। विदेश यात्रा में तस्वीर, वीडियो या दूरबीन का उपयोग करते समय क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि किसी किसी देश में ये गलत माना जाता है, खासकर सैन्य परिजनों में। गर्भवती महिलाओं को यात्रा से पहले किससे परामर्श करना चाहिए? डॉक्टर से। एक सामान्य गर्भावस्था में कब यात्रा करना ठीक है? शुरू के 7 दिन। खुले तौर पर किन सामानों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए? मोबाइल फोन या डिजिटल कैमरे को रखने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए? यदि आपने घर पर अपना कीमती सामान नहीं छोड़ा है तो उन्हें कहाँ आपको सुरक्षित रखना चाहिए? वीजा से संबंधित आपको किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? कि वीजा की वैलिडिटी सही है या नहीं है जिस देश में जा रहे हो। विदेश यात्रा में पानी से संबंधित किस बात की जांच करना आवश्यक है? जांच करें कि जिस लोकल लोकल एरिया का पानी जो पी रहे हो वो सही है तभी वो पी रहे हो ना बोतल का यूज करें।